हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे जान किस टेक्नोलॉजी चैनल पे। फिर से आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला कि हमने पिछले वीडियो में गिट कहता हूँ मैं, उबंटू इंस्टॉल कर दिया था वीएम वर्चुअल बॉक्स में। तो ये आपका आपने देखा था ऐसा इंटरफेस आ गया था। अभी क्या करेंगे कि इसमें टर्मिनल में जाके हम लोग इसके अपडेट्स और गिट इंस्टॉल करेंगे। तो देखते हैं चलो कमांड क्या रहेगी और कैसे इसमें इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि हमें इसमें उबंटू पे क्लिक करना है अंदर में। इसके बाद टर्मिनल पे विंडोज बटन प्रेस करके टर्मिनल पे जाना है और इसे हमें टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको यह ऐसा आ जाएगा इसका इंटरफेस। तो इसे अगर बड़ा करना है, इंक्रीज करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम मशीन में जाएंगे, मशीन में जाके सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ डिस्प्ले का ऑप्शन दिखेगा। डिस्प्ले का ऑप्शन देखने के बाद दिख रहा होगा आप यहाँ पे स्क्रीन में स्केल फैक्टर में हम इसे इंक्रीज कर देंगे। मैं 150 कर देता हूँ और इसे अप्लाई कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि हमारा जो उबंटू का इंटरफेस था मशीन का, वो बड़ा हो गया है। अब जितने परसेंटेज से बढ़ाएंगे वो उतना बड़ा हो जाएगा उसमें। तो मैं ज़्यादा ही बड़ा हो गया, मैं इसे थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। वो भी यहाँ जाएंगे, फिर डिस्प्ले में जाएंगे, फिर से हम क्या करेंगे कि 125 रखता हूँ मैं, ठीक है, इसे ओके कर दूंगा। हाँ परफेक्ट, ये मेरे लिए ठीक है। तो अभी मैं इसमें करूंगा कि सबसे पहले क्या करेंगे कि सिस्टम जो है इसे सिस्टम को अपडेट करेंगे, जो भी इसकी डिपेंडेंसीज है और इसमें जो बेसिक सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सूडो और apt -get गेट ये कमांड चलाना पड़ता है उबंटू में। सूडो मीन्स जो मेन है यूजर उसके परमिशन के लिए, ठीक है, और apt गेट मतलब कोई भी कमांड, कुछ भी अपडेट करना है तो उसके लिए लगता है। मैं यहाँ लिख दूंगा फिर इंस्टॉल। इंस्टॉल नहीं करेंगे, पहले पहले इसी सिस्टम को अपडेट कर लेंगे। अपडेट लिखूंगा मैं इसे और मैं इंटर कर दूंगा। तो ये देखो आपकी पूरी मशीन के जो भी बेसिक सॉफ्टवेयर चाहिए इसे रन करने के लिए सारा डाउनलोड कर लेगा। डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। डाउनलोड हो रही है मशीन, और डाउनलोड होने के बाद अब इसमें हम इंस्टॉल करेंगे गिट। और गिट कैसे इंस्टॉल करते हो, इसमें गिट का वर्जन क्या रहेगा, मैं इसे वो भी आपको इसमें कमांड बताता हूँ इजीली। तो हो गया लगता है ये इंस्टॉल। शायद हो गया, अभी इसका टर्मिनल आने दीजिए। इसका रीडिंग पैकेज लिस्ट लास्ट स्टेप चल रही है इसमें। ये हो गई है डन, रीडिंग पैकेज लिस्ट डन, ठीक है। अभी इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे सूडो। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो इसमें क्या करना, अगर ये जो कंटेंट है इसको क्लियर करना है तो क्लियर कमांड चलाएंगे और इंटर कर देंगे, ये आपकी स्क्रीन पर क्लियर हो जाती है, ठीक है। अभी लिखेंगे सूडो apt -get और इसमें डालेंगे लास्ट में इंस्टॉल के बाद गिट, ठीक है। और मैं इसे -y कर देता हूँ, अगर यस नो अगर पूछता है तो y रहेगा -y, तो ये यस की परमिशन दे देगा हमें। यस पर्टिकुलरली क्लिक नहीं करना पड़ेगा या टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूँ, देखो इंस्टॉल हो रहा है, आप देख रहे हो है ना, ये गेट इंस्टॉल हो रहा है इसमें। हो जाएगा, थोड़ा टाइम और लेगा अभी इसमें। और अभी इसमें हम देखेंगे, हाँ ये आपका अनपैकिंग प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है। अभी इसमें देखेंगे कि गिट इंस्टॉल तो हो गया है, अभी हमें पता करना है कि गिट किस डायरेक्टरी में है और गिट का वर्जन क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, विच कमांड यूज करेंगे, whch विच गिट मीन्स कहाँ कहाँ पे है या कौन सा गिट है। इसे इंटर करेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे यूजर डायरेक्टरी में, बिन डायरेक्टरी, यूजर डायरेक्टरी में अंदर उसके बिन फोल्डर के अंदर डायरेक्टरी और एक गिट। डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर होती है, फोल्डर मीन्स डायरेक्टरी होती है, ठीक है, दोनों एक ही है।
और ये इसके अंदर गिट है हमारा इंस्टॉल। तो अभी इसमें क्या करेंगे कि गिट का वर्जन चेक करेंगे। तो गिट का वर्जन चेक करने के लिए कमांड सीधी 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 कमांड है, दो तीन दो कमांड है, गिट लिखेंगे और हाइफन गिट लिखेंगे और हाइफन वी सिंपली लिख देंगे और इसे इंटर कर देंगे। देखो आपको दिखा रहा है गिट का वर्जन क्या है, ठीक है, यहाँ से 2.43.0, तो ये गिट का वर्जन है। और दूसरी कमांड सेम ही है, गिट लिखेंगे हाइफन हाइफन वर्जन लिखेंगे, ये थोड़ा बड़ा कमांड है, तो ये आपका वर्जन इस पर भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कमांड और इसके बाद गिट इंस्टॉल हो गया। अभी मैं इसकी स्टेप और अभी नेक्स्ट बताता हूँ अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दो और मुझे कमेंट में बताओ नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।